मॉल। तो बहुत दिनों के बाद आई हूँ, तो मैं आपको वो चल के दिखाती हूँ। तो चले देखते हैं, शॉप्स वगैरह चेक करते हैं किस हिसाब से, ईद के हिसाब से आई हैं, चले देखते हैं। अच्छा, ये जो व्लॉग है मैंने रमज़ान में जो है वो विज़िट किया था, लेकिन पोस्ट अप कर रही हूँ। एट्रियम मॉल में जैसे हम एंटर होते हैं तो ये शॉप्स जो हैं, आउटलेट्स काफ़ी सारी हैं यहाँ पे, और ये सामने लॉबी है। फर्स्ट स्टेप की शॉप है, यहाँ पे शूज मिलते हैं। यहाँ पे चल के चेक करते हैं। यहाँ पे है शायद नमाज प्रेस, तो दूसरे भी अभी खड़े हुए हैं, तो चल के देखते हैं। ये पर्सेस हैं, पर्सेस की वैरायटी फर्स्ट स्टेप है। असल में मुझे पर्स भी चाहिए होगी, तो देखते हैं यहाँ से मिलती है या नहीं। एट्रियम की लॉबी है, यहाँ पे सिनेमा भी होता है। तो पहले हम यहाँ पे बहुत आते थे, अब आना कम हो गया है क्योंकि बीच में कोविड की वजह से सिनेमाज भी बंद हो गए थे। लेकिन अब जो है वो सिनेमा हम न्यूप्लेक्स ही पसंद करते हैं जाने के लिए, वो बेहतर है इससे, तो हम यहाँ पे कम ही आते हैं अब। वहाँ से तो हमें पर्स नहीं मिली, गोल्डन जाके चेक करते हैं। स्टाइलो भी है यहाँ पे। फर्स्ट फ्लोर पे साया पे यहाँ पे डॉलर वर्ल्ड की शॉप थी, जो कि हर आइटम 180 में थी। तो मतलब ये है कि डॉलर के प्राइस की जितनी थी 180 रुपीस में। यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे हैं, और यहाँ तो नीचे का आपको दिखाती हूँ। फूड कोर्ट बंद है, ये फूड कोर्ट बंद है बिकॉज ऑफ रमजान, तो ये शाम में खुलेगा। अभी दोपहर का टाइम है, तो ये पूरा फूड कोर्ट जो है वो बंद है।
एटीएम सिनेमा में जो शोज़ थे वो सुबह को नहीं होते थे, क्योंकि रमज़ान की वजह से फिर वो रात में शोज़ चलाते थे। डॉक्टर स्ट्रेंज ये था हमारा आज का व्लॉग। होप्स आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको हासिल हो सके। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।